पिछले दो वर्षों से जारी कोरोना काल के चलते हर क्षेत्र प्रभावित हुआ था, जिससे शिक्षा क्षेत्र भी अछूता ना था। कोरोना महामारी आई, शिथिलता के चलते अब स्थिति सामान्य होती जा रही है, जिसके चलते पिछले दो वर्षों से ऑनलाइन तौर पर होने वाली परीक्षाएं अब ऑफलाइन यानी स्कूल कॉलेजों में आज दिनांक 4 मार्च 2022 से होनी शुरू हो गई है। दो साल बाद हो रही इन परीक्षाओं के प्रति छात्र छात्राओं के साथ ही उनके अभिभावकों में भी थोड़ा सा डर है, साथ ही उत्साह का वातावरण दिखाई दे रहा है। वहीं सभी परीक्षा केंद्रों के संचालकों ने विभागीय शिक्षण मंडल द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों का पालन कर इन परीक्षाओं को सफलतापूर्वक करने हेतु प्रयासरत है। सावनेर संभाग के परीक्षक विजय भाकरे और सहायक परीक्षक रोहित दास आड़े द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार संभाग में विज्ञान वाणिज्य और कला विभाग के कुल 25,000 छात्र छात्राएं कक्षा 12वीं की परीक्षाएं दे रहे हैं। कोविड-19 के बाद ऑफलाइन तौर पर सामूहिक रूप से हो रही इस परीक्षा हेतु जारी दिशा निर्देशों के चलते छात्रों को 1 घंटा पहले परीक्षा केंद्रों पर पहुँचना अनिवार्य है, जहां उनकी थर्मल स्क्रीनिंग आदि की जांच कर उन्हें परीक्षा कक्ष में पहुंचना होगा। साथ ही उन्हें शुरुआती 30 मिनट अतिरिक्त समय भी दिया जाने का प्रावधान है, जिससे छात्रों में किसी भी प्रकार की हड़बड़ाहट ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा, जिसके चलते अभिभावक अपने बच्चों को परीक्षा केंद्रों पर पहुँचने को आतुर दिखे। 4 मार्च से शुरू कक्षा 12वीं की अंग्रेजी विषय हेतु सावनेर शहर के सारस्वत पब्लिक जूनियर कॉलेज में कुल 352 छात्र केंद्र प्रमुख अंधारे, भालेराव जूनियर कॉलेज में 352 छात्र केंद्र प्रमुख प्रोफेसर प्रदीप सूखी, अतिरिक्त केंद्र प्रमुख लोनकर, डॉक्टर हरिभाऊ कला वाणिज्य महाविद्यालय 134 छात्र, राम गणेश गडकरी कला वाणिज्य जूनियर कॉलेज 35 छात्र, जूनियर कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड आर्ट 113 छात्र, रेवनाथ जूनियर कॉलेज 67, ऐसे विज्ञान वाणिज्य और कला विभाग के कुल 1,151 छात्र परीक्षाएं दे रहे हैं। तो वहीं समूचे सावनेर संभाग के 24 परीक्षा केंद्रों पर लगभग 25,000 छात्र छात्राएं आज से शुरू परीक्षा में शामिल हुए। जारी परीक्षाएं शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने हेतु परीक्षा केंद्रों पर कड़े पुलिस बंदोबस्त की व्यवस्था की गई है। दो साल कोविड चल रहा था, उसके कारण अभी दो साल के बाद फर्स्ट टाइम स्टूडेंट्स एग्जाम में बैठ रहे हैं, तो उनके मन में अभी थोड़ा सा डर भी है, थोड़ा सा वो उत्सुक भी है, और दूसरी बात ये कि बच्चों को भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि हमारी एग्जाम होनी चाहिए। तो हम लोग मतलब चाहते हैं कि बच्चे, और जानते भी हैं कि बच्चे पूरी तैयारी के साथ आए होंगे। बोर्ड्स के जो निर्देश हैं, कोविड संबंधित निर्देश हैं, थर्मल स्क्रीनिंग है, मास्क कंपलसरी है, वो सब हमने फॉलो किया है। दूसरी बात ये कि इस साल से बच्चों को आधा घंटा ज़्यादा दिया जा रहा है, वो भी हम लोग फॉलो कर रहे हैं। अभी 9:15 बजे हमारे बच्चे यहाँ पहुँच गए। सावनेर से NBCN न्यूज़ के लिए संवाददाता किशोर ढुंडेली की रिपोर्ट।